हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे थे आत्मनिर्भर स्कीम के बारे में। इसके लिए ऑलरेडी आप लोगों को 3 वीडियो लेक्चर्स मिल चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने पहले वीडियो में बात किया हुआ था कि गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है इस आत्मनिर्भर स्कीम के अंतर्गत। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि आरबीआई क्या कर रही है इस स्कीम के अंतर्गत। और तीसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एमएसएमई सेक्टर में क्या कुछ किया गया है इस स्कीम के अंतर्गत। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे डे टू के अंडर में जो भी अनाउंसमेंट की गई थी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, वो सारी अनाउंसमेंट को हम लोग अलग अलग सेक्टर्स करके देखेंगे। इसमें पर्टिकुलरली अगर देखी जाए तो 5 तरीके से हमारी पूरी स्कीम को डिवाइड किए गए हैं। वो 5 तरीके कौन कौन से हैं? एक तरीका जो डिवाइड किया गया है वो किया गया है माइग्रेंट लेबर के लिए, दूसरा किया गया है स्ट्रीट वेंडर के लिए, तीसरा जो किया गया है वो ट्राइबल्स के लिए किया गया है, चौथा जो किया गया है वह हाउसिंग के लिए किया गया है, और 5वां किया गया है स्मॉल ट्रेडर्स के लिए। तो बेसिकली ये 5ों के 5ों सेक्टर्स हैं जहां पर ये पूरी की पूरी स्कीम घूम रही है, इन्हीं के चारों ओर में घूम रही है। 1 by 1 करके हम लोग सारे के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। तो देखिए, ये हमारी आत्मनिर्भर स्कीम पार्ट 2 आ जाती है, जहां पर जो थीम दी गई है वो दी गई है पुअर इंक्लूडिंग माइग्रेंट्स एंड फार्मर्स। इस स्कीम के अगर कंटेंट को देखा जाए तो सबसे पहले बात की गई है फार्मर्स की। यहां पर बोला गया है कि डायरेक्ट सपोर्ट टू फार्मर्स एंड रूरल इकोनॉमी प्रोवाइडेड पोस्ट कोविड। तो पोस्ट कोविड के बाद में किस तरीके से इकोनॉमी को हम लोग संभालने वाले हैं, किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, वो इस वीडियो में, इस स्लाइड में डिस्कस किया गया है। 3 करोड़ फार्मर्स को एडिशनल एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड किया जाएगा, 4.22 लाख करोड़ अवेल द बेनिफिट ऑफ 3 month लोन मोरेटोरियम। तो लोन मोरेटोरियम का मतलब वही कि यहाँ पर बफर पीरियड दे दिया जाएगा, जिसके दौरान में इन लोगों को इंस्टॉलमेंट नहीं देनी है, बाद में इंस्टॉलमेंट देनी होगी। इंटरेस्ट सबवेंशन एंड प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव ऑन क्रॉप लोन्स, तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया, जो 1 मार्च तक की जो भी इंटरेस्ट सबवेंशन थी उसको एक्सटेंड करके 3 महीने के लिए मई में कर दिया गया है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड जो भी सैंक्शन किए गए थे, वो 25 लाख और नए किसान क्रेडिट कार्ड सैंक्शन किए जाएंगे, जो कि 1 लाख की लिमिट वाला होगा, और इस तरीके से टोटल इन टोटल 25,000 करोड़ इस पूरे के पूरे किसान क्रेडिट कार्ड में इन्वेस्ट करी जाएगी। तो ये हो गया जो डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, और ये बेसिकली एक तरीके का लोन स्कीम ही आप बोल सकते हैं। इसके आगे लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है पोस्ट कोविड, और इसमें कहा गया है कि 63 लाख लोन्स ऑफ 86,600 करोड़ अप्रूव्ड इन एग्रीकल्चर, रीफाइनेंसिंग ऑफ 29,500 करोड़ प्रोवाइडेड बाय नाबार्ड, नाबार्ड के द्वारा दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? ऑब्वियसली जो भी रूरल सेक्टर में काम करने वाले बैंक हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक हो गए या आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक हो गए, इनको 29,500 करोड़ रुपए से इनको फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा देखिए, सपोर्ट ऑफ 4,200 करोड़ प्रोवाइडेड अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टू स्टेट ड्यूरिंग मार्च 2025 रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पूरा का पूरा फंड दिया जा रहा है। अब देखिए, आप लोग, ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में उठ सकता है कि आखिर में ये जो इतना फंड दिया जाएगा ये काम कैसे होगा। देखिए, सारा का सारा काम करवाया जाएगा मनरेगा के तहत, और इसी मनरेगा के दौरान में यही वो सारे के सारे काम रहेंगे जिसके लिए नए मजदूरों को, या फिर कह सकते हैं जो भी उस स्टेट के जो माइग्रेंट लेबर थे, वापस आने के बाद में जो एक्स्ट्रा लेबर फोर्स आ गई है, उसको हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे होंगे। इस स्लाइड में हम लोग आगे बात भी करेंगे कि जो माइग्रेंट लेबर फिलहाल आ गए हैं, वो आने के कारण से जो लेबर फोर्स है उसमें 40-50% का इजाफा हो गया, 40-50% और ज्यादा हो गए हैं। तो इस कारण से अब वर्क भी ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी, फंड की भी इंजेक्शन होनी चाहिए, और वो इंजेक्शन इस तरीके के सपोर्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। वर्किंग कैपिटल लिमिट ऑफ 6700 करोड़ सैंक्शन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू स्टेट गवर्नमेंट एंटाइटल सिंस मार्च 2020। तो अगेन यहां पर भी देखिए, एक वर्किंग कैपिटल की भी 6700 करोड़ रुपए से ये प्रोक्योरमेंट करा दी जा रही है। आगे बात करें तो माइग्रेंट एंड अर्बन पुअर लोगों के बारे में बात हो रही है। यहां पर बोला गया है कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, जैसे कई लोग हैं जो हैदराबाद से, कई लोग हैं जो मुंबई से, पुणे से, या फिर बाहर के जितने भी इलाके हैं वहां से जो लोग भी आ रहे हैं, उनके लिए क्या है कि एक तो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं कराई जा सकी है, जिसके कारण से ये लोग पैदल ही आना शुरू कर दे रहे हैं।
पैदा लाने के कारण इनको भुखमरी का शिकार होना पड़ा, स्टार्वेशन की प्रॉब्लम हो गई है, और इसके कारण से स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड स्थापित जो किया गया था उसके तहत सरकार ने बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट यूटिलाइज देयर स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड फॉर सेटिंग अप शेल्टर फॉर माइग्रेंट एंड प्रोवाइडिंग देम फूड एंड वाटर। तो यहां पर सरकार भी कहीं ना कहीं ये मान रही है कि हम लोग ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने में फेल हो गए हैं, इसलिए स्टेट को ये बोला गया है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड को बोला गया है कि आप लोग उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था कर दीजिए। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में 11,002 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन करेगी। हाइजेनिकली प्रिपेयर्ड 3 meals अ डे प्रोवाइडेड फॉर द रेजिडेंट ऑफ शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस। तो इनके लिए एक हाइजेनिक तीन टाइम का मील, मतलब कि एक दिन में 3 meals इनको प्रोवाइड किया जाएगा। 12,000 SHGs जो है वो 3 crore मास्क और 1.2 lakh liters ऑफ सैनिटाइजर ये प्रोड्यूस कर चुके हैं। दिस गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द अर्बन पुअर। हालांकि ये अभी फिलहाल में देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा टेम्पररी टाइप की, अगर SHG है तो टेम्पररी टाइप का इनका वर्क मिला हुआ है, लेकिन अगर हमारे पास ये एक फॉर्मल इकोनॉमी के रूप में भी निकल करके अगर आ जाते हैं तो भी ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अब जो ये मास्क और जो सैनिटाइजर का जो ये प्रोविजन है अब ये लगातार हमेशा चलने वाली है, क्योंकि हमें अब सैनिटेशन का महत्व समझ में आ गया है, इसलिए अब सैनिटाइजर और ये मास्क अब हमारे डेली रेगुलर लाइफ का पार्ट बन चुकी होगी आफ्टर दिस कोविड। डिसबर्सल ऑफ रिवॉल्विंग फंड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप वॉज ऑन बोर्ड ऑन पैसा पोर्टल। अब जैसे क्या होता है कि इनको जो भी SHG है उनको पैसा ऑब्वियसली फाइनेंशियल हैंड चाहिए होगा, और ये फाइनेंशियल हैंड ये लोग पैसा पोर्टल पे जा करके वहां से अप्लाई कर सकते हैं, वहां से ये लोग लोन ले सकते हैं। ये पैसा पोर्टल क्या चीज है, तो देखिए ये है पैसा पोर्टल, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, इट इज अ वेबसाइट जहां पर आप जा करके लोन वगैरह के बारे में आप देख सकते हैं, जहां पर पैसा का पूरा नाम ही है पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की स्कीम है और यहां पर लोन दिए जाते हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है। आगे अगर बात करेंगे तो देखिए 7200 न्यू सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ अर्बन पुअर हैव बीन फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो एक काफी अच्छा खासा एक SHG का काफी अच्छा खासा एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक दौर निकल करके आया हुआ है, और इसे हमें बस करना ये है कि इसको अब हम लोग को मेंटेन करके रखना है ताकि ये फिर आगे जाकर के खत्म ना हो जाए। आगे अगर बात करेंगे तो देखिए मनरेगा सपोर्ट टू रिटर्निंग माइग्रेंट के बारे में बात किया गया है। हम लोगों ने अपने लास्ट सेशन में बात किया हुआ था मनरेगा के बारे में, और मनरेगा के बारे में हम लोगों ने वहां पर देखा था कि जो मनरेगा की जो वेज हुआ करती थी 186 रुपए की, जो कि 1986-87 बेस ईयर पे निर्धारित की गई है, उसको अब रिवाइज करके 202 रुपीज जो होता है वो कर दिया गया है। तो यही पूरा का पूरा डिस्कशन हम लोग यहां पर भी कर रहे होंगे। यहां पर क्या किया गया है कि 14.62 करोड़ पर्सन डेज ऑफ वर्क जनरेटेड, तो ये इतने करोड़ लोगों के लिए काम जो है वो जनरेट किया जा चुका है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर 10,000 करोड़ किया जा चुका है। वर्क ऑफर टू 2.33 करोड़ वेज सीकर यस्टरडे, मतलब कि जिस दिन ये अनाउंस की गई थी स्कीम उसके एक दिन पहले ही 2.33 करोड़ लोगों को अब काम दिया जा चुका है, जिससे कि 40-50% ज्यादा लोग अब इनरोल किए जा रहे हैं, क्योंकि एक तो काम हो गया है, दूसरा लोग भी अब ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि अब जो लोग भी बाहर माइग्रेंट वर्कर जितने भी हैं जो बाहर काम करते थे वो भी अब वापस अपने अपने घरों में आ गए हैं और उनको काम की जरूरत हो गई है। इसके अलावा देखिए वापस से पॉइंट रिपीट हो रहा है कि एवरेज वेज रेट रोज टू 202 रुपीज फ्रॉम 182 इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ड्राइव बिंग अंडरटेकन टू इनरोल रिटर्निंग माइग्रेंट्स, तो उनको इनरोल करने के बारे में ड्राइव चलाई गई है। ऑब्वियसली ये ग्राम पंचायत लेवल पे ही हो रही होगी, और यहाँ पर ग्राम पंचायत लेवल पे एक काफी चैलेंजिंग एक सिचुएशन निकल करके आ गई है। स्टेट और यूटी एडवाइज टू प्रोवाइड वर्क टू माइग्रेंट वर्कर एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। प्लानिंग फॉर कंटिन्यूइंग मनरेगा वर्क इन मानसून एज वेल एज प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर और इन सब चीजों के लिए भी। अब देखिए मनरेगा का भी एक काफी यूजफुल वर्क हमें देखने को मिल सकता है, जो पहले केवल और केवल रोड बनाने, नाले बनाने या फिर हमारे टॉयलेट्स बनाने में केवल यूज किए जा रहे थे, अब उनका जो लेबर फोर्स है वो प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर और लाइव स्टॉक वगैरह में भी अब हमें देखने को मिल सकती है। तो ये काफी अच्छा एक चेंज मैं बोलूंगा, क्योंकि ये अब डाइवर्सिफाई हो गया है।
आगे देखिए लेबर कोड के बारे में बात की जा रही है। कई जगह पे आप लोगों ने सुना होगा कि ऑर्डिनेंस ले आकर के लेबर कोड को चेंज करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे 8 घंटे के बजाय 12 आवर्स के बारे में बात की जा रही है। रजिस्टर नहीं मेंटेन करने की बात की जा रही है। तो खैर वो सारी जितने भी लेबर कोड या जो भी लेबर से रिलेटेड ऑर्डिनेंस है वो हम लोग अभी और डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल अगर केवल और केवल इस स्कीम के अंतर्गत लेबर कोड के बारे में बात करें तो यहां पर बात होती है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ राइट ऑफ मिनिमम वेज एंड टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस टू ऑल वर्कर्स इंक्लूडिंग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। प्रेजेंटली मिनिमम वेजेस एप्लीकेबल टू ओनली 30% ऑफ द वर्कर्स। एक्चुअली हो क्या रहा है, हर स्टेट में अलग अलग मिनिमम वेज है और इस वजह से एक यूनिवर्सल वेज कैरेक्टर निकल करके नहीं आ रहा है। तो सरकार ने यही बोला है कि पहले तो हमें यूनिवर्सलाइजेशन करना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें ये जो नेशनल फ्लोर वेज का कंसेप्ट है इसको हमें अब लेकर के आना पड़ेगा। नेशनल फ्लोर वेज ये एक्चुअल में 2017-18 के इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस किया गया था, जहां पर बताया गया था कि जो भी वेज है हर एक इलाके में अलग अलग है। जैसे कहीं पर 182 रुपए है तो कहीं पर 202 है तो कहीं पर 175 रुपए है। इन सबको हमें एक जगह पे लेके आना पड़ेगा और इसे जो मिनिमम वेज एक्ट 1948 है उसके तहत उसके अकॉर्डिंग हमें इसको बनाना पड़ेगा। फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेज सिंप्लीफाइड लीडिंग टू लेस नंबर ऑफ रेट्स ऑफ मिनिमम वेज एंड बेटर कंप्लायंस। तो ये बेसिकली ज्यादा कुछ खास नहीं, यहाँ पर मिनिमम वेज को ही सिंप्लीफाई करने को और उसको फिक्स करने की बात कही जा रही है। अपॉइंटमेंट लेटर फॉर ऑल वर्कर्स, दिस विल प्रमोट फॉर्मलाइजेशन। तो फॉर्मलाइजेशन कैरेक्टर को, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी बात किया था एमएसएमई के सेक्टर में, कि फॉर्मलाइजेशन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हेल्थ चेकअप वगैरह भी यहां पर ले आया जाएगा, जिसके लिए एक अलग से वेलफेयर फंड भी बनाया जा चुका है। ऑपरेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड ऑल्सो एप्लीकेबल टू एस्टैब्लिशमेंट्स एंगेज्ड इन वर्क ऑफ हजार्डस इवन विथ थ्रेशोल्ड ऑफ लेस देन 10 वर्कर। अगर ये 10 वर्कर से कम भी है, मतलब कि अगर ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की भी अगर कोई इंडस्ट्री है, कोई वर्क चल रहा है, वहां पर भी ऑपरेशनल सेफ्टी और हेल्थ कोड को अब अप्लाई करना पड़ेगा। पहले ये केवल और केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता था, जहां पर 10 लोगों से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हुआ करती थी, लेकिन अब सबको करना पड़ेगा ये। आगे और बात करता है कि डेफिनेशन ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर मॉडिफाइड टू इंक्लूड माइग्रेंट वर्कर। अब जैसे क्या होता है, जो भी लोग अब माइग्रेशन के कारण से जो लोग भी वापस आ रहे हैं उनको भी अब इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर में इंक्लूड कर लिया जाएगा, उनको भी अब काम दिया जाएगा। इसके अलावा पोर्टेबिलिटी ऑफ वेलफेयर बेनिफिट भी माइग्रेंट वर्कर को दिया जाएगा। क्योंकि ये लोग यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है तो इसलिए इनका भी रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा, मतलब इनको भी अब यहाँ के लेबर फोर्स में, अपने यहाँ के लोकल लेबर फोर्स में इनको भी अब इंटीग्रेट कर लिया जाएगा। अब जैसे जो भी लोग इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं, जो भी लोग बाहर के फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, तो वहां पर 10 से अगर ज्यादा लोग रहते हैं तो उनका इंश्योरेंस करना होता है और ये होता है ESIC के अंतर्गत। ESIC का मतलब एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कवरेज। इसके अंतर्गत में हालांकि कई सारी स्कीम निकाली गई है, जिसमें से एक स्कीम थी अटल बीमित कल्याण योजना। अब इसमें कहा यह गया है कि ये हर एक क्षेत्र, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इसके अंदर में इंटीग्रेट करके हमें रखना पड़ेगा, अगर वो 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। अगर 10 से कम भी है तो आपके वॉलंटियर बेसिस पे आपको करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ये 10 से कम भी है लेकिन ये हजारडस वर्क है, अगर यहाँ पर एक विनाशकारी, अगर मान लीजिए कि दिक्कत वाला अगर कोई वर्क हो रहा है, तो वहां पर 10 से कम इंप्लॉय होने के बावजूद भी वहां पर ESIC मैंडेटरी रहेगा, उनको इंश्योरेंस कवरेज में लेकर के आना पड़ेगा। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर भी अनाउंस किए गए हैं। अब ये गिग वर्कर क्या होते हैं? गिग वर्कर वो होते हैं जो केवल और केवल एक पर्टिकुलर काम के लिए जब आप किसी को हायर कर रहे होते हैं, जैसे आप फ्रीलांसर्स को बोल सकते हैं कि वो गिग वर्कर हैं। मान लीजिए आपको वेबसाइट बनवानी है अपनी, तो वो गिग वर्कर हो जाएगा। आप वेबसाइट बनवाएंगे, पेमेंट करेंगे, आप अपना निकल लेंगे। इसके अलावा मान लीजिए आपको घर बनवाना है, तो जितने भी जो भी लेबर फोर्स वगैरह आप इंटीग्रेट करेंगे, जो भी हायर करेंगे, वो भी एक तरीके से गिग वर्कर ही बन जा रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर केवल आप केवल एक सर्टेन पीरियड या फिर केवल और केवल आप एक किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए जब एम्प्लॉयमेंट हायर कर रहे होते हैं तो उसको बोला जाता है गिग वर्कर या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर। क्लियर हो गया। इसके अलावा देखिए रीस्किलिंग फंड एक इंट्रोड्यूस किया जा रहा है रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज को। अब ये रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज क्या होते हैं?
रिट्रेंच एम्प्लॉय का मतलब होता है कि एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं होती है, फिर भी उनको निकाल दिया जा रहा होता है। तो इस कारण से इनके लिए भी एक री स्किलिंग फंड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि ये लोग वापस से स्किल हो जाए और स्किल होने के बाद इनको वापस से इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट में इंटीग्रेट किया जा सके। ऑल ऑक्यूपेशन ओपन फॉर वुमेन एंड परमिटेड टू वर्क एट नाइट विद सेफगार्ड। तो देखिए पहले वुमेन के लिए रात वाली जो नाइट शिफ्ट हुआ करती थी उसमें इनको अलाउड नहीं था, लेकिन अब इनको भी अलाउ कर दिया गया है हर एक ऑक्यूपेशन के लिए। प्रोविजन फॉर सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, तो अब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए भी अब सोशल सिक्योरिटी फंड बना दिया गया है। इसके अलावा देखिए मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए जो ग्रेच्युटी 5 ईयर पे पहले हो रही होती थी उसको अब 1 ईयर पे ही आप विड्रॉ करा सकते हैं, वहां पर अब आप केवल और केवल 1 साल पे ही पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये कुछ स्कीम्स हैं जो कल अनाउंस की गई थी और मतलब डे वन अनाउंस की गई थी, जिसमें हम लोगों ने ये सारा का सारा डिस्कशन किया था। हम लोगों ने एमएसएमई के सेक्टर के बारे में बात किया था, फिर हम लोगों ने बात किया था कॉन्ट्रैक्टर को लेकर के, और फिर हम लोगों ने टीडीएस और टीसीएस के बारे में डिस्कस किया हुआ था। ये पूरी की पूरी स्कीम वापस से यहां पर इसे रीडिस्कस कर रही है, या एक तरीके से कह लीजिए कि इसको वापस से एक बार रिवाइज करा रही है। हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ लिए हैं तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। आगे देखिए पुअर इंक्लूडिंग माइग्रेंट्स एंड फार्मर के बारे में बात की गई है। अब हम लोग जरा देखेंगे माइग्रेंट वर्कर के बारे में। देखिए तो माइग्रेंट वर्कर जैसे कि मान लेते हैं कोई यूपी का बंदा है या बिहार का बंदा है या झारखंड का बंदा है, अगर वो दूसरे स्टेट में जाकर के रह रहा है, दूसरे स्टेट में जाकर के मतलब जैसे मान लेते हैं कि वो मुंबई में जाकर के अपना लेबर का काम कर रहा है, तो अब देखिए इसका जो भी राशन कार्ड बना होगा वो तो उत्तर प्रदेश का बना होगा, या फिर अगर इसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत रजिस्टर भी किया गया होगा तो इसे अपने अपने इलाके में अपने होम स्टेट में इसको इंटीग्रेट किया होगा, तो इसके कारण से इसको बाहर जाकर के मतलब कि जब ये मुंबई में है तो इसको ना तो पीडीएस का बेनिफिट मिल पा रहा है और ना ही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का बेनिफिट मिल पा रहा है। अब क्या है, पहले तो ये अच्छा खासा कमा खा रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब इनको कमाने के लिए वर्क नहीं अवेलेबल है जिसके कारण से अब इनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगले 2 महीने तक के लिए इनको अब 5 किलो ग्रेन दिया जाएगा पर पर्सन और 1 किलो चना दिया जाएगा पर फैमिली पर मंथ दिया जाएगा ये, और ये दिस विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरीके से गवर्नमेंट अब मेंटेन करने की कोशिश कर रही है कि कम से कम जो स्टार्वेशन की प्रॉब्लम है वो ना होने पाए। About 8 crore migrants are expected to benefit with this scheme. Rates 3500 crore will be spent on this intervention. हमारे लिए important नहीं है data. Cost will be fully borne by government of India. यहाँ पर state government को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं किया गया है, पूरा का पूरा state government नहीं, ये government of India ही लगा रही होगी, पूरा bear कर रही होगी। State government responsible for implementation, identification of migrants and full distribution and providing detailed guideline. तो state government ये देख रही होगी, आइडेंटिफिकेशन का काम कर रही होगी, इंप्लीमेंटेशन का काम कर रही होगी। इसके अलावा देखिए अब वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम लागू दी गई है। हालांकि ये स्कीम कोई नई नहीं है, ये 2011 से ही ये बातें चल रही हैं। उस समय एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के वन नेशन वन राशन कार्ड को इंप्लीमेंट करने की बात कही गई थी, हालांकि उस समय इसको इग्नोर कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने वन नेशन वन राशन कार्ड अब ला दिया है। माइग्रेंट फैमिलीज आर नॉट एबल टू एक्सेस फूड इन अदर स्टेट एंड दिस स्कीम विल इनेबल अ माइग्रेंट बेनिफिशियरी टू एक्सेस पीडीएस फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप इन द कंट्री। अब ये कहीं से भी जाकर के अपना राशन कार्ड वगैरह के सहारे अपना जो पीडीएस के थ्रू जो भी सामान लेना है वो ले सकते हैं। दिस इज द पीएम्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम रिफॉर्म के अंतर्गत ये आ रहा होता है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि 67 करोड़ बेनिफिशियरी इन 23 स्टेट कवरिंग 83% ऑफ पीडीएस पॉपुलेशन विल बी कवर्ड बाय नेशनल पोर्टेबिलिटी बाय अगस्त 2020। इसमें आधार का यूज किया जाएगा और आपकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी और अल्टीमेटली आपको राशन दे दिया जाएगा। 100% नेशनल पोर्टेबिलिटी विल बी अचीव्ड बाय मार्च 2021। ऑल द स्टेट एंड यूटी विल कम्पीट फुल फेयर प्राइस शॉप ऑटोमेशन बाय मार्च 2021। तो ये काफी अच्छी कोशिश की गई है। एटलीस्ट अभी अगर नहीं भी इंप्लीमेंट हो पा रहा है तो कुछ दिनों बाद अगर इंप्लीमेंट हो भी जाता है तो भी हमारे लिए फ्यूचर बेनिफिट काफी अच्छा ये हमें देखने को मिलेगा। ये देखिए वो स्कीम है जो 2011 में ही ये बना दी गई थी। अगर आप देखेंगे तो ये स्कीम द प्रिंट मीडिया का एक न्यूज कटिंग है जहां पर बोला गया है कि मोदी गवर्नमेंट नेशन वन राशन कार्ड सेम यूपीए स्कीम दैट सोनिया लेड एनएसी शॉट डाउन। ये
स्कीम बनाई गई थी उस समय यूडाई के चेयरमैन नंदन निलेकानी के चेयरमैनशिप में और उन्होंने सेम स्कीम बताई गई थी, लेकिन उस समय इसको हटा दिया गया था। इसके आगे आती है देखिए, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स फॉर माइग्रेंट वर्कर एंड अर्बन पुअर। एक्चुअली हो क्या रहा है, माइग्रेशन काफी ज्यादा हो गया है जिसके कारण से इनके लिए शेल्टर की जगह नहीं बची है। तो शेल्टर के लिए गवर्नमेंट ने अलग से एक स्कीम निकाली और इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट विल लॉन्च स्कीम अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर माइग्रेंट लेबर और अर्बन पुअर। तो देखिए अभी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई स्कीम एज सच कोई परमानेंट बेसिस पे लॉन्च नहीं की गई है, टेम्पररी बेसिस पे अभी बोल दिया गया है, लेकिन बाद में मिनिस्ट्री इसके लिए गाइडलाइन बाद में निकालेगी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ये अलग से वापस से निकालेगी। तो देखिए ये स्कीम अभी फिलहाल में आधी अधूरी है कह सकते हैं आप, अभी गवर्नमेंट इसको लेके पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है। फिलहाल में अगर टेम्पररी बेसिस पे अगर बात करें तो टेम्पररी बेसिस पे देखिए गवर्नमेंट ने कहा है कि कन्वर्टिंग गवर्नमेंट फंडेड हाउसिंग इन द सिटीज इनटू अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। तो जितनी भी गवर्नमेंट की जो भी फंडेड हाउसिंग है वहां पर पीपीपी मोड में इनको रहने की जगह दी जाएगी। इसके अलावा इंसेंटिवाइजिंग मैन्युफैक्चर्ड यूनिट इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूशंस एसोसिएशन टू हेल्प अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ऑन देयर प्राइवेट लैंड एंड ऑपरेट। तो जितने भी इंडस्ट्रीज या इंस्टीट्यूट्स हैं अगर उनके पास अपना कोई लैंड खाली पड़ा है तो वहां पर इन लोगों को कहा जाएगा कि आप भाई उनको रहने दीजिए और जो भी खर्चा पानी होगा वो हम देख लेंगे। इंसेंटिवाइजिंग स्टेट गवर्नमेंट एजेंडा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन द सिमिलर लाइन टू डेवलप अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स एंड ऑपरेट। तो इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह को ये इंसेंटिवाइज कर दिया जाएगा। हालांकि ये स्कीम अभी भी टेम्पररी है, बाद में इसका परमानेंट रूप निकल करके सामने आएगा, तो जब आएगा तो हम लोग वापस से देख लेंगे। इसके बाद देखिए स्मॉल ट्रेडर के लिए स्कीम निकाली गई है। ये स्कीम हालांकि पुरानी स्कीम है मुद्रा के बारे में, जिसको कि हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए हुए थे, जहां पर आपको कोलेटरल तो नहीं देना होता है लेकिन गवर्नमेंट इस मुद्रा मतलब कि इस गारंटी के लिए एक गवर्नमेंट अपना एक पैसा ले रही होती है, एक चार्ज ले रही होती है। इस मुद्रा योजना में तीन पार्ट में डिविजन किया गया है, तीन पार्ट में लोन दिए जाते हैं, एक होता है शिशु, दूसरी होती है किशोर और तीसरी होती है तरुण। तो अलग अलग तरीके से इसमें लोन दिया जा रहा होता है। स्मॉल बिजनेस अंडर मुद्रा हैव बीन डिसरप्टेड द मोस्ट एंड हैज आल्सो इंपैक्टेड देयर कैपेसिटी टू पे ईएमआईज। इसलिए जो भी लोन मोराटोरियम है वो अगेन आरबीआई के द्वारा पहले ही उसे हटा दिया गया, उसको कहा गया है कि आप बाद में देंगे। द करेंट पोर्टफोलियो ऑफ मुद्रा शिशु लोन इज 1.62 लाख करोड़, जिसमें मिनिमम अमाउंट 50,000 की दी जा रही होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2% फॉर प्रॉम्प्ट पे फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। तो 2% प्रॉम्प्ट पे ही को ये इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहे होंगे। इससे 1500 करोड़ रुपए का रिलीफ एक प्रोवाइड हो रहा होगा। देखिए यहाँ पर काफी कुछ डिटेल है जो आपके लिए काम की नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि मुद्रा के अंदर में जो भी लोन दिया गया है उसकी मोरेटोरियम डेट जो होती है वो बढ़ा दी गई है। इसके अलावा देखिए स्ट्रीट वेंडर के लिए एक स्कीम निकाली गई है। जैसा कि हम लोग वीडियो के शुरू में ही डिस्कस किए थे कि इस पूरे के पूरे डे टू के अनाउंसमेंट को 5 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले बात किया माइग्रेंट वर्कर के बारे में, दूसरा हम लोगों ने बात किया था हाउसिंग के बारे में, हालांकि हाउसिंग के बारे में भी यहाँ और एक दो स्लाइड हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर बात किया गया है स्ट्रीट वेंडर के बारे में देख रहे हैं और हम लोग डिस्कस कर रखे हैं हमारी स्मॉल ट्रेडर के बारे में। तो अगर स्ट्रीट वेंडर के बारे में देखें तो देखिए 5,000 करोड़ स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर ये प्रोवाइड किया गया है। कैसे किया गया है, एडवर्स इंपैक्ट के लिए फिलहाल इनको 5,000 करोड़ की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। इसमें किया क्या जाएगा, गवर्नमेंट विल लॉन्च अ स्पेशल स्कीम विद इन अ मंथ टू फैसिलिटेट। अगेन देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट कोई प्लान बना नहीं पाई है, गवर्नमेंट आगे जाकर के जो भी प्लान बनाएगी वो बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा, फिलहाल गवर्नमेंट इसको लेकर के प्रिपेयर्ड अगेन नहीं है यहाँ पर। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल इन्फ्यूज कर दिया गया है। डिजिटल पेमेंट विल बी इंसेंटिवाइज थ्रू मॉनेटरी रिवॉर्ड्स एंड इनहेंस्ड वर्किंग कैपिटल क्रेडिट वुड बी मेड अवेलेबल फॉर गुड रीपेमेंट बिहेवियर। इट विल सपोर्ट 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स, इट विल प्रोवाइड लिक्विडिटी ऑफ 5,000 करोड़ रुपी। क्लियर। इसके अलावा देखिए हाउसिंग के लिए अगेन देखिए स्लाइड आ गई है, जिसमें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के बारे में डिस्कस किया गया है, जहां पर 70,000 करोड़ से अगेन इसको री इन्वेस्ट किया गया है। इसमें किया क्या जा रहा है, जितने भी MIG होते हैं, MIG मतलब मिडिल इनकम ग्रुप वाले जो लोग भी होते हैं जो हाउसिंग वगैरह के लिए अपना हाउस वगैरह बना रहे हैं, इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इजी लोन प्रोवाइड किया जाता है और इस इजी लोन में इनको क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत भी रखा जाता है, जहां से इनको एक सब्सिडी मिल जा रही होती है। इसको एक्सटेंड कर दिया गया है फिलहाल के लिए अगर बात करें तो, एंड दिस स्कीम हैज बेनिफिटेड 3.3 मिडिल क्लास
फैमिली सो फार। गवर्नमेंट विल एक्सटेंड द क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम अप टू मार्च 2021। अब ये मार्च 2021 तक के लिए एक्सटेंड की जा चुकी है, जिससे कि 2.5 लाख मिडिल इनकम फैमिलीज विल बेनिफिट हो जाएंगे। विल लीड टू इन्वेस्टमेंट ऑफ 70,000 करोड़ इन हाउसिंग। इट विल क्रिएट जॉब। इट विल स्टिमुलस डिमांड फॉर। अगर घर बनेगा तो सीधी सी बात है लेबर फोर्स तो आएगा ही आएगा, साथ में सीमेंट के, बालू के लिए, स्टील के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, इन सब चीजों का भी अगेन डिमांड बढ़ जाएगा, तो इकोनॉमी चलती रहेगी। इसके अलावा देखिए ट्राइबल्स के लिए भी यहां पर एक प्रोविजन किया गया है, जहां पर 6000 करोड़ रुपए इंप्लॉयमेंट में दिए जाएंगे यूजिंग कैंपा फंड, जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन होती है उसके तहत फंड से 6000 करोड़ रुपए का इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। देयर इज अ नीड टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर आवर सिटीजन, जिसमें हमारे ट्राइबल्स भी आ जा रहे होते हैं। फंड टू बी यूज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, कैसे यूज करेंगे? अफोर्डेबल एंड प्लांटेशन वर्क इंक्लूडिंग इन अर्बन एरियाज, आर्टिफिशियल रीजनरेशन, असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो पूरा का पूरा जो कैंपा जिस पे काम कर रही होती है वहीं से पूरा फंड निकालेंगे और अल्टीमेटली जॉब अपॉर्चुनिटी अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरिया में ये क्रिएट कर रहे होंगे। ये ट्राइबल और आदिवासी को काफी ज्यादा बेनिफिट कर रहा होगा। इसके अलावा देखिए 30,000 करोड़ एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड बनाया जा रहा है फार्मर के लिए नाबार्ड की सहायता से। इसमें अगेन फार्मर के लिए काम किया जा रहा है। इट विल इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्स फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। इसमें आरआरबी और जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स है वो मेन क्रेडिट सोर्स होंगी, जिनको नाबार्ड के थ्रू पैसा मिल रहा होगा। नाबार्ड इनको 30,000 करोड़ रुपए से इनको लोन देगा और अल्टीमेटली ये दोनों के दोनों जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक है और रीजनल रूरल बैंक, ये दोनों के दोनों डायरेक्टली आम जनता से ये लिंक हो रहे होंगे और उनको लोन प्रोवाइड कर रहे होंगे। दिस इज ओवर एंड अबव 90,000 करोड़ टू बी प्रोवाइडेड बाय नाबार्ड थ्रू द नॉर्मल फाइनेंस रीफाइनेंस रूट ड्यूरिंग दिस ईयर। क्योंकि हम लोगों ने 60,000 ऑलरेडी देख रखा था पुराने स्लाइड में कि वहां पर आरआरबी इन्फ्यूज कर रहा था और 30,000 यहां पर भी एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड के रूप में दे रहा है। फ्रंट लोडेड ऑन टैप फैसिलिटी टू 33 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, 351 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड 43 आरआरबीज अवेलेबल ऑन टैप बेसिस ऑन देयर लेंडिंग टू बेनिफिट अराउंड 3 करोड़ फार्मर्स, मोस्टली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, टू मीट पोस्ट हार्वेस्ट रबी एंड करंट खरीफ रिक्वायरमेंट इन मई एंड जून। तो बेसिकली क्या है, छोटे फार्मर को यहां पर बेनिफिट करने की कोशिश की जा रही है। यह हमारी लास्ट स्लाइड आ जाती है, इसमें बेसिकली जो भी डिस्कशन किया गया है वो हमारे डे 3 में ज्यादा डिटेल्ड किया गया है। तो यहां पर एक तरीके से केवल और केवल इंट्रोडक्शन दी गई है, जहां पर यह बोला गया है कि रेट्स 2 लाख करोड़ कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट टू 2.4 करोड़ फार्मर थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड। अब इसमें किया क्या जा रहा है इस किसान क्रेडिट कार्ड में, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि 25 लाख नए क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे 1 लाख वाले, जिससे 25,000 करोड़ का एक पूरा का पूरा रकम, पूरी की पूरी फंड जो है इन्फ्यूज करनी पड़ेगी। इसमें कहा यह गया है कि स्पेशल ड्राइव टू बी अंडरटेकन टू प्रोवाइड कंसेशनल क्रेडिट टू पीएम किसान बेनिफिशियरीज थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें फिशरमैन हो गए, एनिमल हस्बेंड्री वाले फार्मर हो गए या फिर फार्मर ही हो गए, उन सबको इंक्लूड किया जाएगा। दिस विल इनेबल सच फार्मर टू गेन एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट। इससे 2.5 करोड़ फार्मर जो है कवर हो जाएंगे और इससे क्रेडिट जो दिया जा रहा होगा वो 2 लाख करोड़ रुपए का दिया जा रहा होगा। तो ये पूरी स्कीम थी हमारी जो डे 2 में अनाउंस की गई थी, जिसको हम लोगों ने 5 कैटेगरी में बांट करके देखा है। इसी तरीके की सारी स्कीम हम लोग डे 3 में भी देख रहे होंगे। डे 3 में जो कुछ भी अनाउंसमेंट हुई है उसको हम लोग अभी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसको ज्वाइन करके अपने डाउट रेज कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।